with this now we move on to another part of noun and that takes us to first we define what is noun we try to understand what are the types of nouns and now we come to the understand the relation between noun and gender now we come to understand the relation between noun and gender नाउन और लिंग में क्या संबंध है लिंग क्या है तो आप जानते हो ये लिंग जो होता है दे आर ऑलवेज ये ना सजीव चीजों में होता है जिनमें लाइफ हो इनमें ही तो लिंग की बात होगी ना गर्ल बॉय लायन, लायनेस हीरो हीरोइन ऐसे ही। कॉक स्पैरो और हेन स्पैरो ये एग्जाम्पल्स हैं दो तरह के जेंडर के इसमें क्या दिख रहा है कि जो ऊपर जो लिखा हुआ है यानी बॉय लाइन हीरो एंड कॉक स्पैरो ये मेल है मेल से पुरुषत्व पुरुषत्व्योर्ड तो ये मेल जेंडर हैं और मेल जेंडर को हम क्या कहेंगे मैस्कुलिन एम ए एस सी यू एल आई एन ई मैस्कुलिन क्या कहेंगे मेल को मैस्कुलिन इसमें तीन चारों शब्द ऊपर जो हैं वो मेल बताते हैं और दूसरे जो शब्द हैं वो सब फीमेल हैं तो फीमेल शब्द को हम क्या कहते हैं फेमिनिन जेंडर मैस्कुलिन मतलब जेंडर और फेमिलिन जेंडर जेंडर मतलब लिंग जेंडर यानी लिंग और मैस्कुलिन यानी पुरुष से संबंधित और फेमिलिन बने स्त्री से संबंधित एक और जेंडर होता है जो ना तो पुरुषत्व को बताता है ना उसके स्त्रीत्व को बताता है और वो आप कह सकते हैं एक तरीके से निर्जीव चीजों के लिए होता है जैसे बुक जिसमें जान नहीं है पेड़ ट्री को भी निर्जीव में जीतते हैं लकड़ी मकान हाउस ट्री बुक पेन शूज दे आर ऑल न्यूटर जेंडर स्पेलिंग क्या है न्यूटर की स्पेलिंग देख लीजिए गौर से

दूसरा हमने कैटेगराइज किया उसके काउंटिंग को लेकर यदि गिन सकते हैं तो काउंटेबल नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल और उसमें कुछ बारीकियां भी समझी अनकाउंटेबल में शुगर भी आता है हमने जाना और फिर उसके बाद हमने यह भी जाना कि बहुवचन अनकाउंटेबल का नहीं होता क्योंकि काउंट ही जब नहीं कर सकते बहुवचन कैसे होगा वेन समथिंग कैनॉट बी काउंटेड How can we say whether this is Ekvachan or Bahuvachan, whether this is singular or this is plural? Ekvachan is singular or Bahuvachan is plural. So that is, that is what we learned. Then we also learned making of it. And now we have tried to learn types of gender. बिकॉज जेंडर हैज समिंग टू डू विथ नाउंस तो रिलेशन बिटवीन नाउन एंड जेंडर उसमें मैस्कुलिन जेंडर फैमिलिन जेंडर एंड न्यूट्र जेंडर मैस्कुलिन जेंडर पुरुषत्व जिसमें होता है फैमिलिन जेंडर स्त्री त्व जिसमें होता है मादा नर और मादा तो so, जिसमें नर का जिक्र हो या नर का भास हो वो मैस्कुलिन जिसमें स्त्री का आभास हो वो मादा फेमिनिन और जो निर्जीव नाउन है वे सब किस में आते हैं वे सब आते हैं न्यूटर में ट्री को भी निर्जीव माना गया ये आप समझ लें पेड़ को बायोलॉजी में वनस्पति विज्ञान में हम उसे सजीव मानते हैं लेकिन अंग्रेजी की भाषा में उसे हम निर्जीव मानते हैं भाषा के लिए ऐसी संज्ञा जो जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का भास ना हो कि ये पुरुष बोल है या स्त्री है लेकिन है संज्ञा लाइफ है ऐसे भी तो होता है बहुत बार कि हम एक संज्ञा का उपयोग कर रहे हैं जिसमें जीवन है जीवंत है लेकिन हमको पता नहीं हम पैर कि स्त्री की बात कर रहे हैं कि पुरुष की क्या ऐसा शब्द आपके दिमाग में आ रहा है कुछ कैन यू रिकॉल सम वर्ड चाहे हिंदी में या अंग्रेजी में सजीव रहते हुए भी ऐसा शब्द जो सजीव के लिए उपयोग होता है लेकिन फिर भी पता नहीं लगता कि वो स्त्री के लिए हो रहा है पुरुष के लिए हो रहा उदाहरण के लिए पेरेंट पी ए आर ई एन टी पेरेंट पेरेंट हम किसके लिए बोलते हैं माँ के लिए भी और पिताजी के लिए भी उदाहरण के लिए हम फ्रेंड बोलते हैं फ्रेंड मित्र मित्र हमारे लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं वो तो गर्ल फ्रेंड जो शब्द है वो तो किसी अलग रूप में आप लोग यूज करते हैं लेकिन सामान्यतः फ्रेंड इज ए फ्रेंड फिर उसमें बात होती है तो हम कहते हैं कि हाँ वह गर्ल है या वह बॉय है वेदर शी इज ए गर्ल और शी इज ए बॉय और ही इज ए बॉय ऐसी हमारा दुश्मन दुश्मन यदि मैंने कहा वो मेरा एनिमी है तो हमको पता नहीं लगता कि वो पुरुष है कि स्त्री है बट सजीव है एनिमी सजीव होता है तो कजन बोलते हैं ना हम लोग कि वो मेरी कजन है वो कजन है तो कजन है मैं ये पता नहीं लगता कि हम लड़के के लिए बोल रहे हैं कि लड़की के लिए कजन शब्द को हम बोलते हैं मेरा कजन या मेरी कजन तो वो तो अपने लिए बोलते हैं पर कजन का क्या लिंग है ये पता नहीं ऐसे शब्द जिनसे स्त्री या पुरुष दोनों का बोध हो हम उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर पहला क्या था मैस्कुलिन जेंडर जिसमें पुरुषत्व का बोध दूसरा क्या था फेमिनिन जेंडर जिसमें स्त्रीत्व का बोध तीसरा क्या था न्यूटर जेंडर न्यूटर मैंने क्या बताया ई यू टी आर न्यूटर जेंडर जिसमें दोनों नहीं है ना स्त्रीत्व है ना पुरुषत्व है क्योंकि वो निर्जीव है निर्जीव वस्तु में ऐसी बात नहीं है सामान्यतया सामान्यतया वैसे बाद में हम आगे आएंगे लेकिन फिलहाल आप समझिए कि न्यूटर जेंडर वो जेंडर है जो निर्जीव है और निर्जीव होने के कारण इसलिए कोई अंदाज नहीं रहता कि स्त्री है कि पुरुष है और कॉमन जेंडर क्या है कॉमन जेंडर वो जिसमें शब्द का उपयोग ऐसा नाउन जिसका उपयोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए होता है जैसे फ्रेंड पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड इज ऑल्सो चाइल्ड मतलब बच्चा बच्ची दोनों आई हैव ए चाइल्ड तो फिर अगला सवाल आता है यू हैव ए बेबी चाइल्ड डू यू हैव ए बेबी चाइल्ड गर्ल चाइल्ड और ए बॉय चाइल्ड फिर ये अगला सवाल लेकिन चाइल्ड से कुछ पता नहीं होता कि क्या बोले ही इज माई रिलेशन वह मेरा रिश्तेदार है ही इज माई रिलेशन रिलेशन में स्पष्ट नहीं है कि पुरुष है कि महिला है तो ऐसे शब्द जो पुरुष और महिला दोनों के लिए उपयोग होते हैं वे कॉमन जेंडर कहलाते हैं देन न्यूटर जेंडर हमने पढ़ा आ, न्यूटर जेंडर की जहाँ तक बात करें तो कई बार ऐसे जो शब्द हैं आ, कई बार हम क्या करते हैं न्यूटर जेंडर में तो निर्जीव चीज़ आती है मैंने बताया आपको यानी पेन बुक कॉपी मकान आदि आदि जिसमें जान नहीं है और ट्री भी उसमें आता है लेकिन आधुनिक अंग्रेजी में किसी संज्ञा का लिंग पूर्ण रूप से पुरुषत्व या स्त्री की उपस्थिति अनुपस्थिति से निर्धारित होता है आधुनिक अंग्रेजी में आधुनिक अंग्रेजी में संज्ञा का लिंग इससे निर्धारित इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से होता है संज्ञा के रूप से उसका कोई संबंध नहीं संज्ञा का रूप मतलब वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है या न्यूटर है उससे उसका कोई संबंध नहीं दूसरी भाषाओं में तो लिंग के आधार पर होता है जैसे बगीचा बगीचा मैस्कुलिन है लेकिन बगीचे में जो लकड़ी है वो फेमिनिन है बगीचा क्या है मैस्कुलिन उर्दू में हिंदी में और हिंदी में लकड़ी क्या है फैमिनिन है एक जानकारी यहां पे बहुत महत्वपूर्ण हिंदी से संबंधित है कि हिंदी में हिंदी में ऐसी भाषा है जहां पर सामान्यतया सामान्यतया लड़कियों के नाम या जो स्त्रीलिंग हैं वो या तो आ से या बड़े ई से खत्म होते हैं ये सामान्यतया लड़कियों स्त्रीलिंग जो शब्द हैं वो या तो आ से या ई से खत्म होते हैं जैसे नदी नहीं जैसे नदी नदी बहती है या सीता लड़की है या रानी लड़की है तो बड़े ई की मात्रा है लेकिन पांच शब्द हिंदी में ऐसे हैं जो बड़े ई से समाप्त होने पर भी पुल्लिंग है पांच शब्द हिंदी में ऐसे हैं मात्र पांच जो बड़े ही से समाप्त होते हैं लेकिन पुल्लिंग हैं और वो पांच शब्द हैं दही मोती पानी जी और घी दही जो है दही बहता है कि बहती है दही बहता है मोती गिरता है कि गिर, गिर गई मोती गिर गया पानी बहता है कि बहती है पानी बहती है तो ऐसे ये जो पांच शब्द हैं ये पांचों बड़े ई की मात्रा से समाप्त होने के बाद भी लिंग है मात्र यही पांच शब्द हैं हिंदी में अंग्रेजी में इस ढंग का कोई विशेष ऐसा नियम नहीं आया है लेकिन एक चीज आप बस जान लें कि सामान्यतः हम इसको अन्य जैसे अन्य भाषाओं में संज्ञा के स्वरूप के आधार पर निर्धारित होता है लिंग यहां पर अंग्रेजी में ऐसा निराधिक अंग्रेजी में संज्ञा का लिंग जो है पूर्ण रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व की उपस्थिति या अनुपस्थिति से निर्धारित होता है इस बात को मान लें अब अगला बिंदु इस संज्ञा के मामले में संज्ञा इन रिलेशन टू जेंडर कई बार क्या कर दिया है अंग्रेजों ने कि संज्ञा को एक परसौनिफाई कर दिया यानी मानवीकरण कर दिया परसौनिफाई निर्जीव वस्तु को आदमी के रूप में दिखाया निर्जीव वस्तु को सजीव बताया निर्जीव को कभी कभी सजीव बताने की कला करते हैं और तब हम उसे या तो पुरुष मान लेते हैं या उसे स्त्री मान लेते हैं या फेमिनिन मान लेते हैं या मैस्कुलिन मान लेते हैं निर्जीव के मामले की बात कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज डेड विच डज नॉट हैव लाइफ द आइटम्स द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ हैव बीन परसोनिफाइड एट टाइम्स In English, and by personifying, we treat them as kind of having life. We treat them as kind of having life in English. For example, those words are the sun. The sun. Sun is Nirjiv. Sun S U N Suraj. Nirjiv. Like in the sun ko gaya Summer. उसकी हीट और गर्मी के कारण उसको भी पुरुषत्व दिया गया मैस्कुलिन माना गया विंटर टाइम दे आर ट्रीटेड मैस्कुलिन दो दे आर निर्जीव दो दे आर दे डू नॉट हैव लाइफ इन देम दे दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफाइड मानवीकरण उनको जीवन दे देना उनके में कल्पना करना कि उनमें लाइफ है ऐसी कल्पना करते हुए उनको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बदल देना तो पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द मैंने बताए जैसे द सन शेड्स हिज बीम्स शेड करना मतलब शेड करना मतलब छोड़ना शेड ही इज शेडिंग टीयर्स क्या है शब्द ही इज शेडिंग टीयर्स आंसू बहा रहा है द क्रोकोडाइल शेड टीयर्स क्रोकोडाइल मगरमच्छ आंसू बहा रहा है तो शेड करना मतलब निकालना अलग करना तो यहाँ पर द सन शेड्स इट्स बीम्स सो सन को लिए मैस्कुलिन माना गया है उसकी गर्मी के उसकी तेजस्व के लिए मैस्कुलिन और इसलिए सन के लिए जब सर्वनाम आता है जो हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे तो हर नहीं आता हिज आता है क्या आता है हिज हिज पुलिंग के लिए उपयोग होता है मैस्कुलिन के लिए होता है सो सन शेड हिज बीम्स ऑन द रिच एंड पुअर ए लाइक अमीर और गरीबों पर सभी पर सूरज जो है अपनी रोशनी एक बराबर भेजता है जैसे मैस्कुलिन ट्रेट मैस्कुलिन कैरेक्टर मैस्कुलिन फीलिंग गर्मी ताप तेज ये मैस्कुलिन पुरुषत्व की पहचान के रूप में अंग्रेजों ने उसे लिया है और सूरज को तेज हवा को उन्होंने पुरुषत्व माना है ऐसे ही कई एब्स्ट्रैक्ट चीजों को या कई निर्जीव चीजों को उन्होंने स्त्रीत्व के रूप में लिया है फैमिनिन माना है परसोनीफाई किया है उसे ऐसा चित्र जैसे धरती धरती को क्या धरती नाउन तो है पृथ्वी नाउन है ना पर पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं पृथ्वी माँ बोलते हैं कि पृथ्वी पिता बोलते हैं द अर्थ मदर पृथ्वी माँ धरती मां, मां। सुंदरता के लिए सॉफ्टनेस के लिए मनोहरता के लिए इन सब चीजों के लिए सौम्यता के लिए इसके लिए जब किसी निर्जीव चीज़ का उपयोग होता है तो वो उसको स्त्रीलिंग मानते हुए उपयोग होता है फिर से सुन लो सुंदरता के लिए सॉफ्टनेस के लिए नरमी के लिए मनोहरता के लिए आदि आदि जैसी ऐसी चीज़ों के लिए जिसका संबंध महिलाओं से है उसको स्त्रीत्व का परसानिफाई किया गया स्त्री के रूप में उसे कर दिया जाता है उसका द्योतक उसको मानते हैं जैसे पुरुषों के लिए मैंने उदाहरण दिया स्त्रीित्व में उदाहरण है द मून सन किसका उदाहरण है पुरुषत्व का तो चंद्रमा जो है चंद्रमा की सौम्यता चंद्रमा की शांति चंद्रमा की ठंडक चंद्रमा का आ, का जो कामनेस है वो स्त्रीत्व को इशारा करता है तो उसे क्या बोलते हैं द उसे उसे हम कह सकते हैं कि फेमिनिन जेंडर के रूप में उसे ले लेते हैं कई बार द अर्थ मैंने आपको बताया द अर्थ इज द मदर अर्थ ऐसे ही स्प्रिंग वसंत ऋतु वसंत ऋतु प्रकृति नेचर लिबर्टी आ, आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सुना होगा जो अमेरिका के समुद्री कुछ किलोमीटर दूर समुद्र से एक दुनिया की विशालतम मूर्ति बनी है जो बहुत बड़ी मूर्ति है और 200 साल हो गए उसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्टैचू यानी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी लिबर्टी का जो स्टैचू बनाया गया है वो महिला उसमें दिखाई गई है लिबर्टी को कौन पकड़ा हुआ है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता लिबर्टी यानी स्वतंत्रता स्वतंत्रता के लिए कद्योतक महिला है तो so, ये सब ऐसे न्याय न्याय महिला न्याय के लिए जानी जाती है तो इसलिए उसको स्त्रीत्व का रूप फैमिनिन कर दिया गया मरसी दया शांति उम्मीद विश्वास आशा दान ऐसे जो गुण हैं ये गुण स्त्रीत्व से संबंधित माने गए हैं तो इसलिए जब इन गुणों को हम परसोनिफाई करते हैं एक सजीव रूप में इसका उपयोग करते हैं अंग्रेजी में तो इनको फैमिनिन करते हैं यानी हिज़ की जगह हम हर लगाते हैं यदि हमको हिज़ या हर का उपयोग करना होगा तो इनमें हम क्या लगाएंगे हर द मून हैज़ हिडन हर फेस सूर्य चंद्रमा ने अपना चेहरा छिपा लिया है चंद्रमा जब सूरज के पीछे जाता है या हम दूसरी तरफ रहते हैं और बीच में सूरज रहता है तो हम क्या बोलेंगे द मून हैज़ हिडन हर फेस हिस फेस नहीं तो ये नाउन का जहां तक स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सवाल है उस पर मैंने आपको बताया कि कैसे इनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग करते समय एक और लिंग है कॉमन लिंग और उस कॉमन जेंडर और उसके बाद एक और जेंडर है न्यूटर जेंडर न्यूटर जेंडर इज फॉर नॉन लिविंग बट नॉन लिविंग को भी हम कभी कई बार उसको मैस्कुलिन या फैमिनिन में ले आते हैं मून नॉन लिविंग है अर्थ नॉन लिविंग है एयर नॉन लिविंग है विंड नॉन लिविंग है आदि आदि एंड सो ऑन सो फोर सो वी कैन वी ट्रीट देम लाइक दैट ओके सो नाउ वी हैव अंडरस्टोड दिस नेक्स्ट इज हम थोड़ा और इसके नियम जानेंगे कि कैसे हम संज्ञाओं के स्त्रीलिंग बनाने के और क्या क्या नियम हैं हाउ टू मेक नाउन्स इंटू फैमिनिन जेंडर What are there? Are certain rules? There, there are certain rules which govern this process of converting uh, nouns into feminine gender. We will now let's do that.